मध्य प्रदेश के देवास में उज्जैन रोड पर ब्रिज के नीचे जुआरी और सटोरियों के अड्डे पर सिटी कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 14 आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है, जहां से कुल 15,000 रुपए नकदी और जुआ और सट्टा खेलने की सामग्री जब्त की है। यही नहीं, कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों का भरे बाजार में जुलूस भी निकाल दिया, जहाँ कोतवाली थाने तक सभी को पैदल लेकर आए। पूरे मामले में कोतवाली TI MS परमार ने बताया कि सूचना के आधार पर उज्जैन रोड पुलिया के नीचे दबिश दी गई है। मौके से 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कैलकुलेटर, जुआ, सट्टा सामग्री जब्त की है। वहीं कुल 20,000 रुपए भी नकदी जब्त किए गए हैं। हाँ, सूचना प्राप्त हुई थी हमको अभी कि उज्जैन रोड पर बीच के आसपास कुछ जगह पे जुआ सट्टा अवैध रूप से खेला जा रहा है। जिस सूचना पर से हमारी टीम कोतवाली की टीम वहाँ पर पहुँची थी जी, और दो तीन जगह से दबिश हमने डाली थी। दो जगहों पर कुछ 14-15 लोगों को मिले हैं जो अवैध रूप से जुआ सट्टा खेल रहे थे। उनके कब्जे से भी अभी 20,000 के आसपास की जो है राशि मिली है, और कुछ सट्टा पर्चियाँ भी हजारों के हिसाब से मिली है। अभी काउंटिंग चल रही है और उसमें हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं। देवास से अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।